This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما <coughs> okay. uh, فلا تخشوهم وخشوني كي आ, फला चा हूँ यानी उनसे ना डरो मतलब लोगों से ना डरो और मुझसे डरो मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी जात से डरो लोगों से डरने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर कहते हैं कि इलाज मिन अन्नासी के लोगों से खौफ जो इंसान के दिल के अंदर होता है उसका इलाज क्या है फीया अलखफी मिनालही फ़ी अखिया होता है जिंदा करना यानि अपने दिल में उगाना उजागर करना अल्लाह त खौफ कि जब हम अल्लाह ताला का खौफ दिल में ले आएंगे तो लोगों का खौफ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे दिलों से निकल जाएगा वमन खौफ अल्लाह और जो भी अल्लाह ताला से खौफ रखता है हक्कन यानी जिस तरह का हक है अल्लाह से डरने का लम यखिफ मिन मिन अल खल्की वो खौफ नहीं रखता उसकी मखलूक से वली उतिम अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून कि ताकि मैं तुम पे अपनी नेमत को पूरा करूं और शायद के तुम जो है वो हिदायत वाले हो जाओ तो यहाँ ये क्या कहते हैं कि होता है सबसे बड़ी नेमत और अचमुहा यानी अचम मतलब सबसे मुकम्मल नेमत वो कौन सी है ही हैदाय वो हिदायत की नेमत है के मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा तो इसके हवाले से ये कहते हैं कि हल बिल इहमाली के क्या तो तु, क्या, तु, क्या तुम लोग इस चीज को फील करते हो इहमाल को। इहमाल को होता है निगलिजेंस इग्नोरेंस फील करना वो अन्ना ला युजदु मैं और क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको यानी आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हो आपको अहमियत दे रहा हो ये एक सवाल पूछ रहे हैं हर किताब पढ़ने वाले से मारयो का लौ इहतामा लौ इहतामा بك رب तो अब वो सवाल पूछते हैं कि आपकी क्या राय है आपकी क्या ओपिनियन है अगर अहमियत दे तुमको तुम्हारा रब रबुल आलमीन, यानी आलमीन का रब जो है वो तुम्हें अहमियत दे वذكرك في الملئ الاعلى في اعلى العليين في اعلى عليين और जिक्र करे फिल्म यानी ऊपर की जो महफिलें हैं अल्लाह ताला की आ, फी आला आ, आला में यानी जो अल्लाह ताला की महफिलें होती हैं फरिश्तों के साथ उनका यहाँ जिक्र हो रहा है अब शिर अब शिर होता है कि खुशखबरी देने के लिए जब आप कहते हैं ना कि खुश हो जाओ खुशखबरी ले लो इस तरह से अब शिर फेल अमर का यहाँ सीगा आ रहा है

जैसे आगे वो हदीस कुत्सी की भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब इंसान अपनी महफ़िल में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला महफिल में बैठ के इंसान का जिक्र करता है और जब इंसान अकेला बैठ के जिक्र करता है अल्लाह का तो अल्लाह ताला भी वहां पर अकेला जो है वो इंसान का जिक्र करता है फिर ये हदीस की यहाँ पर मिसा वो है एक दलील है फिर हदीस कु हदीस कु में हदीस कुत्सी असल में ऐसी हदीस को कहते हैं <coughs> जिसमें अल्लाह ताला जो हैं वो मुखातिब होते हैं अहदीस के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं आबदी मेरा बंदा इजा जकर दकरत, इजा जकर तनी खालियन कि जब तुम मुझे खाली जिक्र करते हो यानी अकेले जिक्र करते हो जकर चुका खालियन मैं भी तुम्हें अकेला तुम्हारा जिक्र करता हूँ जैसे हम अकेले बैठ के जब पढ़े हों हो कुरान में कुछ या फिर अल्लाह ताला को याद कर रहे हो अल्लाह ताला की तस्बीहात वगैरह कर रहे हो तो उस वक्त अल्लाह ताला भी हमारा जिक्र जो है वो अकेले करते हैं इन, इन और अगर तुम मेरा जिक्र करते हो महफिल में मल बोलते हैं महफिल में जकर फी मला खर उमिन तो मैं भी तुम्हारा जिक्र करता हूँ गैदरिंग में खायरं, खायरं मिन यानी उससे बेहतर मजलिस में मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ जिस मजलिस में तुम मेरा जिक्र कर रहे हो वह अकबर और बड़ी यहाँ पर अकबर जो है वो सुपरलेटिव है कि बेहतरीन खैर और अकबर यानी बड़ी महफिल में अल्लाह ताला फिर जिक्र करते हैं इंसान का बन्ना बन्नानी यहाँ, साबित कहते हैं है, मेरा मेरा है। तो एक मजमे में बैठ के की के मुझे पता है मेरा ला तब करते हैं यानी मुझे कब याद करते हैं तो वो सारे फजी होता है खौफ महसूस करना तो जो भी उनके इर्द गिर्द लोग बैठे थे उन्होंने इस चीज़ का खौफ महसूस किया है अगर कोई डायरेक्टली ये बात कहता है तो इंसान को क्या पता कि अल्लाह ताला कब इंसान को याद करेगा या इस एक इस एक जनरल उसमें इंसान को तरह से खौफ आता है कि इनको कैसे पता कि अल्लाह ताला इनका जिक्र कर रहे हैं या नहीं तो उन, उन्होंने कहा कई यानी जो लोग बैठे हुए थे उन सब ने कहा कि आप किस तरह ये बात जानते हैं कई फतः आपको कैसे इल्म होता है जालिक इस चीज का फल तो उन्होंने कहा इजा टू जकर कि जब मैं उसको याद करता हूँ यानी हूँ यहाँ पर अल्लाह ताला और रनी के वो याद करता है अल्लाह ताला याद करते हैं मुझे और उसके लिए फिर उन्होंने यही आयत की दलील दी जो बकरा की है कि कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा आ, अर्दी के तुम उसको याद करो जिक्र करो जमीन के ऊपर लियद, तुम्हें जमीन के ऊपर जमीन के नीचे और ओयारद जिस दिन सारे लोग पेश होंगे यानी जो क्यामत का दिन है जक करो का लहू महदूद उन उसका आ, 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 कि तुम करो ताला का एक महदूद यानी लिमिटेड उसमें आ, सर्कल में या लिमिटेड अः हदूद के अंदर रहके अल्लाह तुम लोगों का फिर जिक्र करेगा गैर महदूद अनलिमिटेड मतलब जिस तरह से हम जिन चीजों के बारे में सोच नहीं सकते जिन चीजों को जैसे यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी है ना कि जमीन के ऊपर जमीन के नीचे और यो मत जिस दिन सारे तमाम लोग पेश होंगे तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जब याद करते हैं तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है मलहमूल्यूसा वह हुआ यद गुरु अब वो यहाँ पर कुछ सवाल कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि तुम्हें कोई वरी हो जाए हम जो है वो फिक्रे परेशानियां कि वो तुम्हें कोई परेशानी पहुंच जाए वह हुआ और वो तुम्हें याद कर करा मतलब इमपोसिबल है कि अल्लाह आपको याद कर कराओ और आपको परेशानियां पहुंचनी शुरू हो जाए मल मखरू सैल हकू बिका वह हुआ यज खुख और मखरू होता है जो चीजें आपको नापसंद होती हैं कि कोई ऐसी नापसंद चीज आपको यलिक मतलब आपसे मुलाकात कर दे आपके साथ लग जाए कि कोई ऐसी नापसंदीदा चीज हो और वह हुआ के वो जो है तुम्हें याद कर रहा है यानी अल्लाह ताला तुम्हें याद कर रहा है मल वह हुआ यज करो और कौन सा ऐसा खौफ है जो तुम्हें युक्लिक होता है जिसके लिए परेशान होना Uh, कोई चीज बार बार इंसान के दिल में आती है ना कोई खौफ आता है बार बार दिल के अंदर तो ये कलक की सिचुएशन होती है आपकी तो ऐसा खौफ कौन सा है जो आपको बार बार तंग करे वह हुआ यजगुरु कर वो आपको याद कर रहा है मतलब इन तीनों सवालों का ये मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको याद करें और आपको फिर हम भी हो जाए या मकर भी हो जाए या खौफ भी हो जाए क्योंकि जाहिर है इस दुनिया को देखने का जो विजन है वो बदल जाता है इंसान का परेशानियाँ और आजमाइशें और ये सब चीजें तो दुनिया में आएंगी ही आएंगी क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है लेकिन जब इंसान का विजन उन सब चीजों के लिए बदल जाता है तो फिर इंसान के साथ अहमियत की जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो जाती हैं जब इंसान अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा अपना अः ताल्लुक बिल्ड कर लेता है और ज़हर जिक्र इंसान का तभी ज्यादा होता है अल्लाह ताला के लिए जब एक बहुत स्ट्रॉग रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ बिल्ड होर वाला तक फुरुन कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और शुक्र करो ये वश गुरू भी जो है वो आता है फिल अमर का सीगा कि तुम मेरा शुक्र करो वला तक और नफरमानी ना, ना करो कसर तो कि अल् तला का जो जिक्र करना है कसरत के साथ वो इस चीज़ का सिंबल है अलामत है आ, मिन अहम शुक्र, आ, सबसे अहम एह, जो इम्पोर्टेंट अलामत है वो आपकी शुक्र के लिए है यानी आप अल्लाह तला को याद कर रहे हैं जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तला का ये सबसे आ, इम्पॉर्टेंट अलामत है सबसे बड़ी अलामत है कि आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं मतलब उन्होंने जिक्र को भी शुक्र के साथ लिंक किया है और दलील में वो यही आयत दे रहे हैं 152 फिफ्टी टू कि इंसान जब जिक्र अल्लाह ताला का करता है तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से शुक्र अदा कर रहा है इन नगलो हमासन के बेशक अल्लाह तला सबर करने वालों के साथ हैं لكل من أثقلته الهموم وأحاطت به الغموم هر وہ شخص جس کے اوپر اثقلت یعنی يعني بھار پڑ گیا ہے آ, غم, آ, هموم پریشانیوں کا وأحاطت به الغموم أحاطت یعنی يعني اس کو گھیر لیا ہے غم نے بہت زیادہ غم اس کے اردگرد آگئے ہیں كيف تستوحشو والله معك ان صبرت कैसे तुम अकेले हो जाते हो यानी तस्तवहिश होता है कि बिल्कुल अकेला पड़ जाना जब आपको लोनलीनेस फील हो रही हो तो ये तस्तवहिश का वर्ड है कि कैसे तुम अकेले पड़ सकते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है अगर तुम सबर करो जैसे यहाँ पर है ना कि इन्ना अल्लाह तो अगर हम सबर करेंगे तो हमें हमारे साथ हर सिचुएशन में गाम की परेशानी की हर सिचुएशन में अल्लाह ताला हमारे साथ होंगे तो हम अकेले नहीं होंगे हम जिस तरह एक बहुत क्योंकि उदासी और रोना तो एक जाहिर है अमूमन इंसान को भी आता है लेकिन जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की सिचुएशन है उसमें इंसान नहीं जाता अगर वो सबर के साथ अल्लाह तल्ला को याद रखे और सबर का दामन ना छोड़े तो फिर जो है वो ये चीजें उसके साथ नहीं होती الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله और वो लोग जिनको जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं ان لله और फिर कंटिन्यूटी के साथ जो पूरी दुआ है هم لله يفعل بهم ما ما कि वो अल्लाह ताला के हैं या फालू वो चाहे बेहिम सात उनके माशा जो कुछ वो करना चाहे कि मतलब हमारी जात अल्लाह ताला की है अल्लाह ताला हमारे साथ जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है फहम मिलकुन अली तो यानी वो लोग यानी यहाँ पर अब पूरी इंसानियत की बात हो रही है कि वो लोग जो है वो मिल्कियत हैं अपने रब की वलमालिकला मलक और जो मालिक होता है वो जाया नहीं करता जो उसकी मिल्कित में होता है अक्सर आइंदबा और बहुत सारे लोग जो है वो मुसीबत के टाइम क्या कहते हैं ये वाले क़लेमात कहते हैं कि नेकी की ताकत और बुराई से बचने के का जो एक ताकत है वो अल्लाह के अलावा कोई कहीं से नहीं आती तो वयस्तर जो आइंद अमरबू और अवला यानी सबसे अच्छा ये है कि इंसान रुजू करे आप जो है वो रुजू करे इस चीज की तरफ जो उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है यानी बहुत सारी ये तो अब उन्होंने एक मिसाल दी है इल्ला बिल्ला के हवाले से जो उनकी सोसाइटी में यानी जो किताब लिखने वाले हैं उन्होंने जाहिर अपने इर्द गिर्द देखा कि जब लोगों को कोई परेशानी मुसीबत पहुंचती है वो तो हो जाते तो, तो, हम तो हमें भी कुछ, कुछ बातें जो हैं वो सुनने को अगर हम अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैये को देखें तो जब उनको परेशानी मुसीबत आती है तो वो कुछ ना कुछ तो फॉरन से करते होंगे तो इसमें यहाँ पर उस रवैये को खत्म करके अवला क्या चीज़ है व अवलास्तर के इंसान के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि इंसान उस चीज की तरफ जाए जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है करने का और वो क्या है कि इदा के वो लोग जब उनको कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ अः रोजी लौटने वाले हैं إن لله وإنا إليه راجعون لا يطفئ نار الأحزان في قلبك के नहीं भुजती आग जो गमों की होती है तुम्हारे दिल से मिसल इसको बोलते हैं लाइक जैसे अल यकीन भी सवाबिल्लाही अंदर रुजू इलैही यकीन होना इस चीज का कि अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे हमें अजर देंगे जब हम उसकी तरफ रुजू होंगे अब ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं आई वर्ड्स तो मुझे समझ आ गए हैं लेकिन इसका जो बहुत अच्छी एक फहम है वो मुझे नहीं समझ आ सका कि ये क्या मकसद है इनका ये बात कहने का कि शायद हमारे दिलों के अंदर जो भी क्योंकि ये तो बात इंसान तब कहते हैं ना जब इंसान को कोई ना कोई गम परेशानी महसूस होती है नॉर्मली तो हम ये सोचते हैं शायद कोई फौत हो तो ये बात कहनी चाहिए लेकिन कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आती है छोटी बड़ी तो आप ये क़लेमात बोलते हैं और इसमें असल में अपने आप को याद दिहानी करानी होती है कि जैसे अः के ऊपर या कोई चीज टूट जाती है या कुछ भी होता है तो इंसान हर टाइम अपने आप को ये बात याद कराए कि हम अल्लाह के और हम अल्लाह ही की तरफ रुजू करेंगे तो ये इस तरह से कि गम आपके दिल से नहीं खत्म होता लेकिन आपके अंदर जो यकीन है वो इस चीज का जरूर होता है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो अजर सवाब देंगे मेरे ख्याल से इसका यही मतलब बन रहा है अः फहू बीमसरी तो वो तो वो ज़ात युजाजी जो के जजा देता है जजा देती है मतलब यहाँ अल्लाह ताला की बात हो रही है कि अल्लाह ताला की जो है जज़ा देती है इबादहु अपने बंदों को हजरी मसाकिल होते हैं भार भार की प्लूरल है जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना बहुत सकील है तो सकील का मतलब होता है कि भारी तो ये मसाकिल जो है वो उसकी प्लूरल है के जो उसको डर वगैरह है और उसके भार के अजर में अल्लाह तमे उसके बदले में अल्लाह हमें क्या दे रहे हैं, हैं। कि बेशक जो भी अच्छाई होगी अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा देंगे यो यानी दुगना चुगना कर देंगे ऐसे लोगों के लिए आ, क्या है कि सलावाद हैं अल्लाह ताला की तरफ से आ, और रबी हम वो अपने रब की तरफ से और रहमत रहमत और सलावाद जो है वो ऐसे लोगों को अपने रब की तरफ से मिलेंगी वैसे तो सलावात हम नमाजों को भी कहते हैं लेकिन इसका मतलब जो है ना दुआएं की सेंस में भी होता है आ, तो फिर ज़ाहिर है ये यह, यहाँ पर दुआ के आ, आ, मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है वह उलामुलहतदून और वही लोग जो हैं वो हिदायत वाले हैं के रागिब उलफहानी क्या कहते हैं कि इंकानत फिल असली दुआ जो असलात होती है अभी सलात ही को यहाँ पर डिफाइन करें जैसे जो जो ये आयत में आया है कि सलात जो है असल में बेशक वो दुआ होती है वह इंकानत फिल असली असल में हम जो सलाद का मीनिंग लेते हैं वो दुआ ही होती है अल्लाह तो वो अल्लाह की तरफ से जब आएगी तो वो क्या होगी अलबर बोलते हैं वैसे तो फेस को बोलते हैं लेकिन हम इस वर्ड को इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं अरबी में के बहुत सारे अवजह होते हैं इनके वजह होते हैं यानी साइड्स इस तरह से कि एक तरफ ये बरकत है और दूसरी साइड से ये जो है मखफरत है जैसे अः जैसे मुनाफिक के बारे में आता है ना कि वो वजह है कि उसकी दो दो फेसेस होते हैं तो इसी तरह से इस वजह को फेस की तरह से हम यूज करेंगे यहाँ पर के जो सलात है जब वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है तो वो कभी बरकत की सूरत में आ रही है कभी मकफरत की सूरत में आ रही है व इन नकौल और बेशक कहा सलावतुन जमा यानी अल्लाह ताला ने कहा सलावत यहाँ पर अल्लाह वर्ड यूज किया सलावत का और वो जो के फ्लूरल है आलजम सलातुन वाह, वाहिद होता है तो ये सलावत जो है वो जमा है आल आई तमबी है आला, आला कसरत ये अल्लाह तला की तरफ से तमबी है कि ये कसरत है इसमें इसमें ज्यादा है ये कोई एक सलात नहीं है जो अल्लाह तला की तरफ से मिल रही है बल्कि इसके बहुत सारे जिस तरह इन्होंने दो वजह बताए है ना बरकत भी और मगफरत भी तो ये इसके बहुत सारे फेसेस हैं इस सलात के कि वो बहुत सारी सूरतों में हमारे ऊपर जो है वो आती है इस तरह से वह इन से दुनिया तो इर्शादन और बेशक ये हासिल करते हैं हम इसको लेते हैं दुनिया के अंदर तो होता है किसी चीज की आपको आ, यानी तोफ़ी मिल जाती है जिस तरह तोफीकन और इर्शाद जो है वो बोलते हैं हिदायत को ये यहाँ पर अब ही की बात हो रही है कि ये इंसान दुनिया में हासिल करता है हिदायत और तौफीक के आ, के यानी आ, की सूरत में ये जो सलावात है वह फिल आखिरत ही और आखिर आखिरत में हम इन सलावात को किस तरह से कलेक्ट करेंगे कि ये हमारे लिए सवाब और लिएफफरत की सूरत में हमें मिलेगा सवाब जो है वो अजर होता है और मफफरत जो आपके गुना है उनके ऊपर अल्लाह तआला दरगुज़र करते हैं तो इस सलावआत की बहुत सारी सूरतें हैं जिसमें से कुछ यहाँ पर इन्होंने बताई मिनल्लजीन यक्तमून मा अनजलना मिनलबायनाति के बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया मिनलबायनात रोशन निशानियों में से उलाइक यलउनहुम अल्लाह यही वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला ने लानत की वो यलउनहुम और लानत करने वालों ने उनके ऊपर लानत की मिन इस्बाबी तनजुल खिस्मान खासबंस है नाजिल होने की लानत लानत नाजिल होने की क्या क्या रीजन है उनमें से एक रीजन है खिस्मानक का छुपा देना खास सतन और स्पेशली मिनल जब ये बात आती है According, accordingly, यानी जब कोई आलम कोई चीज छुपाता है इल्म के हवाले से या इस तरह से, तो इल्ला الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوبوا عليهم। अब यहाँ पर सिवाय वो लोग, अब यहाँ पर जो आयत की बात पीछे से कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उसमें फिर यहाँ पर इन लोगों को एग्जाम किया है इल्ला जो है वो इस्तना के लिए आता है कि इन लोगों को अल्लाह तुम्तना कर लिया है अब वो कौन से लोग हैं अल्लाजीना ताबू जिन्होंने तोबा की वो इसलह और जिन्होंने दुरुस्तगी की तोबा के बाद इंसान अपनी इस्लाह करता है जिस तरह तो ये असलह इस के लिए वह बैन और बयान किया फलाबिम तो वही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तुम है वो तोबा उनकी कबूल कर लेता है अतूबू आलहीम

किसी चीज के ऊपर नादिम होना या इस तरह से और यही होता है खौफ महसूस करना कि बाज वो लोग जो तोबा करते हैं वो खौफ महसूस करते हैं या खजल झजकते हैं अपनी तोबा के ऐलान से तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं वो अब और बयान करें कि मतलब इस इस चीज की जरूरत है कि जब आपने तोबा की है तो आप उसको एक्सपोज करते हुए डरे नहीं कि भाई मैंने इस चीज से तोबा कर लिया ब और वो लोग जो ईमान वाले होते हैं वो अशद्दु जो है वो, है कि वो सबसे ज्यादा शदीद होते हैं मोहब्बत में ही की के ये एक ऐसी रेस है जो किब हकी की है एक हकीकी मोहब्बत की है जिसमें तकदम आगे नहीं जाते मगर लोग मतलब इस रेस में जो आगे आगे जाने की कोशिश करते हैं वो कौन लोग होते हैं ईमान वाले अब शुरू के अब शुरू होता है खुशखबरी तुम लोगों के लिए खुशखबरी है ये भी वो है आ, अमर का सीगा है कि या अहबाब या अहबाब जो है वो मोहब्बत करने वाले लोगों को, को यहाँ कहा जा रहा है ना जिनसे मोहब्बत की जाती है अहबाब जैसे हम उर्दू में भी ये वो एडूस करते हैं तो ये यहाँ पर वो मुखातिब कर रहे हैं असल में मुखातिब करने का एक तरीका है फफिल हदीस अक्समनबी सदीस के अंदर नबी सल्हसम ने कसम खाई है वह सादिकमस्तूक और वह सादक और मस्तूक है यानि वो सच बोलने वाले हैं बगैर कसम के मतलब नबी अलैहि वसल्लम को अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कसम की जरूरत नहीं है वो कसम के बगैर भी सच बोलते हैं ये मतलब है इस चीज़ का कि ला हबी, आ, हबीब हबी हु, बहू फिन्नार कि अल्लाह ताला वल्लाही जो है वो अल्लाह की कसम कि अल्लाह ताला नहीं डालेगा अपने हबीब को यानी जिससे वो मोहब्बत करता है आग के अंदर من طرق الوصول لمحبه لي لمحبة الله کے الطرق طریقے وصول پہنچنے کے اللہ تعالی کی محبت تک یعنی يعني اللہ کی محبت تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں ان میں کیا ہے کہ انت حافظ على هذا الدعاء کہ تم اس تو حفاظت کرو اس دعا کی یعنی يعني یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے مانگو اللہ تعالی سے اللهم انی اسالک حبك کہ اے اللہ میں تجھ سے Uh, सवाल करता हूँ तेरी मोहब्बत का वाहुबा मैं युब्बिक और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है वाहुबा अमल इला इलाब्बिक और ऐसे अमल की मोहब्बत चाहता हूँ जो मुझे करीब कर दे तेरी मोहब्बत के क्योंकि यहाँ पर जिस तरह ये वाहब में हब्बुक यानी ऐसे लोगों की इंसान मोहब्बत मांगे जो अल्लाह तहबत करते हैं क्योंकि फिर जरा जिनसे इंसान जिन लोगों को पसंद करता है उनके साथ इंसान बैठता है और जो इंसान की कंपनी होती है वो इंसान के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है तो इस तरह से और अमल भी ऐसा अल्लाह तला से हम दुआ मांगें कि अल्लाह तमें ऐसे अमाल की महब्बत दे जो हमें अल्लाह तला से करीब करने वाले हों قال الامام القرطبي امام القرطبي कहते हैं احبهم الله اولا كالله تعالى نے ان سے پہلے محبت کی ثم احبه پھر انہوں نے اس سے محبت کی ومن شهد له محبوبه بالمحبه كانت محبته اتم اور جس نے گواہی دے دی محبوب کی محبت کی اس کی محبت اتم مطلب کمپلیٹ ہے یہاں پر جس طرح ये आयत में आ रहा है ना कि आमनु कि वो लोग जो के ईमान लाते हैं वो सबसे ज्यादा शदीद होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में तो यहाँ अल्लाह ताला ये चीज़ बता रहे हैं कि ईमान वाले जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं तो यहाँ पर जो मतलब जिससे मुहबत है वो इस चीज का एतराफ कर रहा है वो ज़्यादा एतराफ कर रही है तो यहाँ पर ये अः के लिए कंप्लीट कर देने वाली चीज है कानत मोहब्बत यहाँ पर फिर पता चल जाता है कि हाँ क्योंकि जिससे मोहब्बत की जा रही है वो इतराफ़ कर रहा है इस चीज़ का तो इस सेंस में ये कि वमन शहीद महबूब हु बिल मोहब्बत ही के जो भी शख्स जो होता है यहाँ पर तो ज़ाहिर अल्लाह ताला के हवाले से बात हो रही है कि जब अल्लाह ताला ने महबूब की मोहब्बत का एतराफ़ किया है कि हाँ ईमान वाले मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से ज्यादा शदीद तो ये बात जो है, वो इसकी के लिए काफी है। कि कैसे पहुंचा जाए इस मोहब्बत की तरफ अरशद के सिक्का जो है कहा जाता है तरीकुल मुस्तवी एक सीधे रास्ते की तरफ के और वैसे ये ख्वाइन के लिए भी वर्ड यूज होता है तो इस तरह के अल्लाह ताला ने अरशदा यानी दिखा दिया है अल्लाह ताला ने एक तरीका मिनहाद ही सिक्क इन बहुत सारे तरीकों में यानी अल्लाह की तरफ पहुंचने के या अल्लाह की मोहब्बत को पाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं या बहुत सारे काम हो सकते हैं तो उनमें से एक काम अल्लाह ताला ने बता दिया फी कौली ही, अपने कॉल में और यहाँ पर भी ये जो बात हो रही है ये हदीस कुत्सी की है कि हदीस कुत्सी में जो बात आती है वो क्या कि बिन नजालबदी के हमेशा रहता है मेरा बंदा यबू इलायिन قربت हासिल करने के लिए किस चीज से बिन नवाफिल नफल नमाज से हैब्बू यहाँ तक से मोहब्बत करने शुरू हो जाता हूँ तो यह हमें हदीस कुछ सी से पता चलता है कि अल्लाह की मोहब्बत को पाने का एक तरीका यह है कि इंसान नवाफिल को ज्यादा से ज्यादा कर दे और नवाफिल के थ्रू वो अल्लाह ताला की करने की कोशिश करे शैतान और नहीं तुम पैरवी करो खुतवात होते हैं स्टेप्स Steps जो के शैतान के हैं यानी जो नफरमानी है वो एक दरवाज़ा है जो के बंद है बंद। मन दखल जो भी उसको खोलता है वो उसमें दाखिल हो जाता है वो मन दखल हु वाफिल हराम और जो भी उसमें दाखिल हो जाता है वो हराम में वक़ा यानी पड़ जाता है वो करने शुरू हो जाता है कुछ हराम चीजें तो आप, आप पहले कदम में पीछे हुए हमेशा यानी जो आपको मासीत की तरफ लेके जा रहा है या जो शैतान के खुतवात में से शैतान की तरफ जाने वाले स्टेप्स में से कोई एक स्टेप है उसमें आप हमेशा पीछे होने वाले हों दहर जो है वो पीछे होने को कहते हैं कदम पीछे करने को अक्सर मुसाफत अक्सर मतलब सबसे छोटी हम उर्दू में भी वर्ड यूज करते हैं कसीर का। तो जो खुतबा होती है वो सबसे कम मुसाफत है कम डिस्टेंस है यानी जब भी आप कोई एक सफर शुरू करते हैं तो आप पहले स्टेप उठाते हैं और वही आपका सबसे कम मुसाफत होती है लाक फी हल हलाक लेकिन इसके अंदर हलाक है यानी हलाकत है फमिश्वारू, फमिश्वारू अल्फी, बोलते बोलते हैं हैं जर्नी को और अल्फ बोलते है को और जो कि हम उर्दू में भी मील का यूज़ करते हैं माइल के लिए वर्ड यूज होता है बाईद दूर फमिशवारी मील बीदन तिलहद के जो जर्नी हजार माइल्स का बहुत दूर ले गया हमें आन तरीक हक के रास्ते से वो भी स्टार्ट हुआ था यब वो शुरू हुआ था भी खुतवा एक कदम से कि आप जितना भी लंबा जर्नी यूज कर रहे हैं उसकी भी इब्तदा खुतबा से हुई थी तो इसलिए ये जो खुतवा है ये जो पहला स्टेप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसान ज़हरा जब कदम उठाता है फिर वो दूसरा उठाता है तीसरा उठाता है और वो फिर शतान के पीछे पीछे चलने शुरू हो जाता है तो उस सेंस में ये कह रहे हैं कि पहले कदम पे ही बहुत ज्यादा हमें मोहतात होके पीछे होने की जरूरत है यानी तवज्जो करें खुतवात के खुतवात जो है वो स्टेप्स हैं. फल खुतवा जो स्टेप है उसकी पैरवी करता है एक और स्टेप के स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम जाते हैं किसी चीज के लिए तो एक कदम जब हम उठाते हैं तो उसकी पैरवी दूसरा कदम कर रहा होता है क्यों ऐसा होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं आगे और हम रुक नहीं पा रहे इसलिए क्यों के शैतान ली शैतान क्यों के शैतान लुहू होता है बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने वाला जू इसरार और इसार भी जो है वो इंसिस्ट uh, करने वाला तो क्योंकि शैतान इंसान को हर चीज के ऊपर जो है ना हर टाइम से डाल के तो उसकी तरफ उसका इसरार वाला एक एटीट्यूड होता है

जो कि आपको लीड कर रही है इलल एक कॉन्टिन्यूटी की तरफ मतलब कि इसमें ज़ाहिर है एक शैतान की तरफ से जो इंसान शैतान के पीछे पीछे टलना शुरू हो जाता है उसके स्टेप्स फॉलो करना शुरू हो जाता है तो उसमें किसी भी गुनाह के काम को या किसी भी ऐसी चीज़ को जो हमें शैतान की तरफ शैतान के रास्ते की तरफ लेकर जा रही है उस चीज़ को आप छोटा ना समझें मतलब गुनाहों में किसी भी चीज को आप ऐसा ना कहें अच्छा चलो कोई बात नहीं है तो बहुत छोटी सी है तो वो आपको क्या करती है वो जो छोटा आप समझ रहे हैं किसी चीज को अल्लदी या वो आपको लीड कर रही है की तरफ क्योंकि शैतान है और एक कदम के बाद दूसरे कदम की बारी आती है तो इसलिए ये जो कदम पीछे करना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है जैसे यहाँ पर कहा है ना इन्होंने फहरे दूमन के हमेशा आप पहले कदम को पीछे करने के लिए हिर रखें سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته